हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनाइट स्टडी। आज की वीडियो में हम बचा हुआ पोर्शन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का कवर करते हैं। एनसीईआरटी का फर्टिलाइजेशन से अपने को स्टार्ट करना था। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये कुछ इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो फर्टिलाइजेशन में स्टार्ट करता हूँ। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे वाइटल इवेंट है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन होना जरूरी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी किसको कहते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को सिनगैमी कहते हैं। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड स्पोर। गैमेट फ्यूज होने के बाद में एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, डिप्लॉइड जायगोट। द टर्म फर्टिलाइजेशन ऑल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज दो इंटरचेंजेबली। सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन दोनों एक ही बात है। इन टर्म्स को यूज कर सकते हैं अपन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए और जायगोट फॉर्मेशन होगा बाद में। व्हाट वुड हैपन इफ सिनगेमी नॉट अकर। अगर फ्यूजन नहीं होगा, सिनगेमी नहीं होगी तो क्या होगा? हाउएवर इट हैज़ बीन मेंशनड हियर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटीफर्ट्स, हनी बीज एंड सम इवन सम लीजर्ड्स एंड बर्ड्स, टर्की, द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे रोटीफर्स हैं, मधुमक्खी, हनी बी है, कुछ लीजर्ड्स और बर्ड्स हैं जैसे टर्की, इनके अंदर फीमेल गैमेट अप डेवलपमेंट में अपने आप चला जाता है और वो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। वेयर डू सिनगैमी अकर। अब सिनगैमी कहाँ होती है? इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजोरिटी ऑफ एल्गी, फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंस। सिनगैमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम वाटर, ज़्यादातर एक्वेटिक में और एल्गी में, फिशेज में, एम्फीबियंस में। सिनगैमी एक्सटर्नल मीडियम में होती है। एक्सटर्नल मीडियम यहाँ पे क्या होगा? वाटर है, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये एक्सटर्नल मीडियम में हो रही है। इससे बड़ी इससे क्या क्या पता चला कि बॉडी के बाहर होगा फर्टिलाइजेशन, तो इस गैमेटिक फ्यूजन को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड देयर रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम वाटर टू इन ऑर्डर टू एनहांस द चांस ऑफ सिनगैमी। दिस हैपेंस इन द बोनी फिशेज एंड फ्रॉग्स वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस। ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो मेल गैमेट रिलीज होंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेगा सिनगैमी को चांसेस बढ़ाने के लिए, फ्यूजन के चांस करने बढ़ाने के लिए। ये बोनी फिशेज और फ्रॉक्स के अंदर देखा जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनिजम्स और ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफ स्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू अडल्टहुड। इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑफ स्प्रिंग बाहर होती है सराउंडिंग में, तो वहाँ प्रीडेटर उसको मारने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो उनके सर्वाइवल के चांस घट जाते हैं, इसलिए वो लार्ज में उनको प्रोड्यूस करना पड़ता है। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बिलोंगिंग टू फंजाई में, हायर प्लांट्स में, जैसे हायर एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में, जैसे प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सिनगैमी इनसाइड अकर इनसाइड। सिनगैमी होती है ये इनसाइड बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती है। इस प्रोसेस को बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बाहर हो रही थी, इसमें अंदर हो रही। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। इन सब ऑर्गेनिज्म में एग फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा जो मेल गैमेट से फ्यूज होने के बाद बनेगा। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। इस फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल गैमेट मोटाइल होना चाहिए, वो फीमेल गैमेट तक पहुंचे और वहाँ फर्टिलाइजेशन हो। इन दीज इवन
through the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of egg produced. यहाँ पे स्पर्म्स के नंबर तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं किए जाते हैं और एग बहुत कम होते हैं. इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरीड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब्स. प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर क्या हो कि मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता पर उसको फीमेल गैमेट तक लेके जाया जाता है किसके थ्रू, पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर से रन करती हुई फीमेल गैमेट के पास जाती है. ये चैप्टर सेकंड में देखेंगे अपन अगले नेक्स्ट चैप्टर में. अब आ रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर फॉर. अब जाइगोट तक की फॉर्मेशन की बात कर चुके हैं अपन, अब जाइगोट के बाद वाली जो इवेंट्स है उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. अब जाइगोट क्या है. फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. डिप्लॉयड जाइगोट का बनना यूनिवर्सल है सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में. इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर, वेयर इज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी. अब जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उनके अंदर कहाँ बनेगा, जाइगोट बाहर बनेगा, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उनके बॉडी के अंदर बनेगा ये जाइगोट. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन ये लाइन इस पैराग्राफ में चल रहा हूँ फर्क ये टॉप पे. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द एनवायरमेंट इट इज एक्सपोज टू. अब जाइगोट का डेवलपमेंट फर्दर डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करेगा, लाइफ ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है और कैसे एनवायरमेंट में वो रहता है. इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंजाई एल्गी जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज. फंजाई और एल्गी में क्या होता है, जाइगोट एक थिक वॉल अपने चारों ओर बना लेता है, उससे क्या उस डेसिकेशन सूखने से और डैमेज से बचता है. इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, वह जर्मिनेशन होने से पहले एक रेस्ट पीरियड में जाता है. इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, क्लास 11th में अपने देखा था हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लोइड स्पोर दैट ग्रो इन टू हैप्लोइड इंडिविजुअल्स. हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जाइगोट डिवाइड होगा टू एन जाइगोट डिप्लॉयड, उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होंगे, मियोटिक डिवीजन होंगे और वो हैप्लोइड स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन करेगा और वो ग्रो होके हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ जो हाईलाइट करके लिख रखा है, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ये इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अब आपको ऐसे पूछ ले कि जाइगोट क्या है कि ये वाइटल लिंक है जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बताता है. क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. एवरी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल जाइगोट. सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करके वो एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, उस सेल का क्या नाम है, जाइगोट. अब आ रहा है नेक्स्ट एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है. एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर द टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट. जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस. पहले गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, गैमेट के फ्यूजन से क्या बना था, जाइगोट. जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस. जाइगोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन्स होंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन होंगे जो इक्वेशनल होते हैं, मियोटिक डिवीजन रिडक्शन होते हैं और सेल डिफरेंशिएशन होगा जाइगोट के अंदर. वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. सेल डिवीजन से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीजमेंट होगा और सेल डिफरेंशिएशन से क्या है, जैसे कोई सेल में डिफरेंट मॉडिफिकेशन होंगे वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टिश्यू में कन्वर्ट होंगे और वो ऑर्गेनिज्म बना देंगे कंप्लीट. यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लास. क्लास 11th में सेल बायोलॉजी के अंदर सेल डिवीजन
डिफरेंशिएशन ये हमने देख पढ़े होंगे आपने। एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस। एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ओविपेरस और विविपेरस, बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। किस बेस पे कि जाइगोट जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के इनसाइड हो रहा है या आउटसाइड हो रहा है। वेदर दे फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू यंग वंस। क्या वो एग्स दे रहे हैं फर्टिलाइज या इनफर्टिलाइज दे रहे हैं और यहाँ वो यंग वंस का प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, बर्थ कर रहे हैं यंग वंस का इन ओविपेरस। अब ओविपेरस में क्या होता है कि लाइक रेप्टाइल्स और बर्ड्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या होते हैं ओविपेरस। द फर्टिलाइज एग कवर्ड बाई हार्ड कैल्सिनस सेल। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर क्या होता है फर्टिलाइज एग एक हार्ड कवरिंग होती है, आपने देखा होगा एग रेप्टाइल्स और बर्ड्स का वो कैल्शियम की सेल होता है, ये एक सेफ प्लेस के अंदर एनवायरमेंट के अंदर रखा जाता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। कुछ इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में वो एग हैच आउट होगा और वहाँ से एक बेबी प्रोड्यूस होगा। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। विविपेरस क्या होते हैं ज़्यादातर मैमल्स और इन ह्यूमन बींग्स भी क्या है विविपेरस। द जाइगोट डेवलप इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जाइगोट एक यंग वन के अंदर डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर ही, फिर वो डिलीवर होगा आउट, डिलीवर आउट ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, फिर वो बेबी बनने के बाद में ही बॉडी से आउट होगा। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। हाईलाइटेड वाला पढ़ रहा हूँ कुछ। अब विविपेरस में क्या हो गया कि ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, बॉडी के अंदर रहता है तो सर्वाइवल के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उससे प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन के कारण इनके यंग वंस की चांसेस सर्वाइवल के बढ़ जाते हैं। अच्छी लाइन है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूँ तो जाइगोट ओव्यूल के अंदर ही बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल पेटल स्टेमन वो फ्लावर के गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट। पिस्टिल प्लांट से अटैच रहती है। द जाइगोट डेवलप इन टू द एम्ब्रियो, ओव्यूल्स डेवलप इन टू द सीड। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल किस में डेवलप हो जाते हैं सीड में। द ओवरी डेवलप इन टू द फ्रूट, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। विच डेवलप ए थिक वॉल, वो अपने चारों ओर पेरिकार बना लेती है। ये प्रोटेक्टिव होता है इसका फंक्शन पेरिकार का। आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। सीड डिस्पर्जन के बाद वो एक अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर लेंगे। ये था अपने पास चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास ट्वेल्थ का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मैंने इस चैप्टर के आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की समझाने की कोशिश की, कोई भी लाइन स्किप नहीं की है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सारी वीडियो आप लाइन टू लाइन मैंने आप बना के दिए पूरी एनसीईआरटी बेस, तो आप हर एक वीडियो को देखें। थैंक यू।